बैक टू माई चैनल, दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड इन दिस वीडियो यू विल लर्न द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. ओके, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू डैट इफ यू हैव सीन यू हैव नॉट सीन माई वीडियो टिल नाउ, सो प्लीज़ गो थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स. द लिंक्स ऑफ ऑल वीडियोज विल बी अवेलेबल देयर. Or either you can go in the playlist, you will find all the videos there. Okay, then if you are new to my channel, then please subscribe the channel first and press the bell icon also to get the videos on time. Okay, so let's start the topic. Okay, so the term cost accountancy is wider than the term cost accounting. Yes, you have understood this concept in the class 11th. Okay, if you don't know, please go through it. Okay, according to terminology of management and financial accountancy published by the Chartered Institute of Management Accountants, London, cost accountancy means the application of costing. Okay, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि यूज़. ओके, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग. और कॉस्टिंग हमने पढ़ा था क्या होता है. कॉस्टिंग दैट इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एस्टर्टेनिंग कॉस्ट. ओके, then and cost accounting principles. Okay, it means that use of cost accounting principles, methods and techniques. Okay, वो सारी methods और techniques का use, ठीक है, to the science, art and practice of cost control, जिससे कि हम cost को control कर सकें. Okay, then it includes the presentation of information derived there from the purpose of managerial decision making. Okay, क्या कहता है cost accountancy में, देखिए कि ये include करता है क्या, presentation of information, कहाँ से, derived there from, for the purpose, मतलब कि managerial decision making, मतलब कि एक management के अंदर decision making purpose के लिए, ठीक है. Then cost accountancy is thus the science, art and practice of a cost accountant. तो कहना चाहता है कि जो cost accountancy एक तरीके से क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है, एक प्रैक्टिस है, किसकी, cost accountant की. Yes, then it is a science. अभी साइंस क्यों है, देखिए, it consists of organized और systematic knowledge. Because the जो cost accountancy है एक तरीके से इसमें क्या क्या होता है, एक organized और systematic knowledge होती है, ठीक है, इसलिए साइंस है. जिसकी हमें कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन उस तरीके से अवेलेबल होती है, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड. ओके, और सिस्टमेटिक नॉलेज विच अ कॉस्ट अकाउंटेंट मस्ट पोजेस फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस. यस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कॉस्ट अकाउंटेंट्स नॉलेज शुड नॉट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सच सब्जेक्ट्स विच कॉस्ट अकाउंटेंसी एम्ब्रेसेस, बट इट शुड एक्सटेंड टू सच सब्जेक्ट लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च, विच विल हेल्प हिम इन एप्लीकेशन ऑफ हिज कॉस्ट अकाउंटेंसी नॉलेज टू द प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस. यस, ये क्या कहना चाहता है कि जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, उसके पास एक नॉलेज जो लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए कि मतलब वो कॉस्ट अकाउंटेंट उसके पास कॉस्टिंग से रिलेटेड ही नॉलेज होगी. नहीं, उसको क्या हो चाहिए कि बस सारी नॉलेज हो, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी, प्रोडक्शन वगैरह की, जिससे क्या हो सके कि एक तरीके से बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है उनसे डील कर सके, ठीक है. देन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट है. आर्ट कैसे, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 5 में पढ़ा था कि सॉरी दैट इज़ पार्ट 6. ओके, कि कॉस्ट कंट्रोल के बारे में. कॉस्ट कंट्रोल में क्या था कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, मतलब कि डिफरेंट मेथड को डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके कॉस्ट को कंट्रोल करना. तो सेम लाइक डैट कि यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होती है सारी कॉस्टिंग टेक्निक्स एंड मैथड्स, जिससे कि हम कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, ठीक है. देन नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक्स हेल्प्स अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन डिसाइडिंग हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट. ओके, तो क्या कहना चाहता है कि एक जो एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक्स, जो टेक्निक्स और मेथड्स हैं एक तरीके से, ये एक तरह से कॉस्ट अकाउंटेंट को हेल्प करते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है. देन वेदर टू गो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट वाई अ न्यू वन और नॉट, ठीक है, इससे कि पता चलेगा कि हमें जो प्लांट है, मतलब कोई भी एसेट वगैरह, ठीक है, तो हमें मतलब कि एग्जिस्ट क्या करना है, एग्जिस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट, ठीक है, हमें रिप्लेसमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है, तो उस समय हेल्प करता है. देन एक तरीके से प्रैक्टिस है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्यों, क्योंकि ही हैज़ टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. यस,
क्या करता है कि ये कॉस्ट अकाउंटेंसी एक तरीके से प्रैक्टिस है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट की प्रैक्टिस है किस तरीके से, क्योंकि ही हैज़ टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, ओके, क्योंकि जो एक अकाउंटेंट है उसको एक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स बनाने पड़ते हैं किस फील्ड में, कॉस्ट अकाउंटेंसी की फील्ड में। देन ही हैज़ टू एंडेवर, ठीक है, तो एंडेवर का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड, ठीक है, कॉन्स्टेंटली फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट, मतलब कि एक तरीके से जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसको एक तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कॉस्ट को जितना ज़्यादा रिड्यूस किया जा सके हम उतना रिड्यूस करें, ठीक है, जिससे कि एक तरह के बिजनेस को ही बेनिफिट हो। देन प्रेजेंट कॉस्ट डेटा इन अ कंडेंस्ड, मतलब कि एक तरह से जो हमारे पास जो डेटा है कॉस्ट का एक तरीके से सिस्टमेटिकली बट इन्फॉर्मेटिव वे टू द मैनेजमेंट, ठीक है, कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा होना चाहिए कि इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए जिससे कि मैनेजमेंट की हेल्प हो सके, ठीक है, सो डेट द मैनेजमेंट में टेक प्रॉपर एक्शन एट द अपॉर्चुन टाइम, ठीक है, जिससे कि एक मैनेजमेंट जो एक तरीके से प्रॉपर एक्शन ले सके, ठीक है। यही होता है कॉस्ट अकाउंटेंट से एक तरीके से प्रैक्टिस है कि मतलब हमारे पास एक इन्फॉर्मेटिव डेटा अवेलेबल होगा जिससे कि हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की हेल्प कर सके, ओके, और कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सके। सो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो यू विल लर्न अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, ओके।